इस फिल्म में मेरा एक आम किसान का किरदार है जो अपने हक के लिए लड़ता है, लोगों को ये जागरूक करता है कि हम अगर अपने हक के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। उसमें मैं आत्महत्या करने जा रहा था पिपली लाइफ में, और एक एमएलए में ऐसा है कि मैं एक कोई व्यक्ति आता है हमारे गांव में और वो कहता है कि हम आपके लिए ये करेंगे और 31 में कोई ऐसा चीज़ बनाएंगे जिस पे आपको गांव वाले को फ़ायदा होगा। तो मेरे दिमाग में ये आता है कि हाँ इतने मैं मतलब 10 साल से या पिछले 5 साल से कुछ नहीं हो रहा है, तो इस आदमी के आने के बाद शायद हमारे गांव का भलाई हो सकता है, गांव का भलाई हो सकता है, इसके साथ साथ पूरे देश का भी भलाई हो सकता है। तो मैं उसके अगेंस्ट में नहीं मतलब उसके साथ देता हूँ, और जो पिछला एमएलए रहता है उसका अगेंस्ट हो जाता हूँ कि ये हमने 10 साल से हमारे लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपना ही देख रहा है। तो शायद ये आदमी है जो हमारे लिए इतना लड़ रहा है, खून बहा रहा है, तो ये शायद हमारे लिए काम कर सकता है। एक किसान के और आम आदमी के नाते मैंने इस फिल्म में जो काम किया है ये शायद लोगों को बहुत पसंद आएगा। इससे मैं कहता हूँ कि जो नेता है उनको भी शायद जो कुछ समझ में आएगा कि नहीं हमें ऐसा करना चाहिए। राइटर ने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो इस टाइप का है कि नेता भी बदल सकते हैं और जो गांव के जो लोग हैं वो भी बदल सकता है, क्योंकि हमें इस टाइप के काम करने से ऐसा फ़ायदा हो सकता है। एमएलए में ख़ास ये देखे कि भाई आजकल की जो स्थिति चल रही है, जैसे आप मार्केटों में ले लो या पॉलिटिक्स में ले लो, जो उनकी बात या सरकार योजना निकालता है वो आम तक के नहीं पहुंच पाता है, तो हमने उस चीज़ को आम आदमी तक पहुंचाने के को कोशिश किया है। तो इसलिए कहते आम आदमी भी देखे और पॉलिटिक्स वाले भी देखे।